अब ये बताइए तिवारी जी ने कहा कि पुल के ऊपर चढ़ करके नंबर एक गेट पर आपको जाना है, है ना? तो आपने इनसे कह दिया आगे आपके लिए, जब आपको मालूम था आप आगे हो जाते। मालूम कुछ नहीं था, कल जीवन में पहली बार मैं आया हूँ यहाँ, काम से आया हूँ मैं। किधर चलना है? अच्छा ये बताओ कहाँ चलना है? एक नंबर साइड में, एक नंबर। अच्छा अब आगे चलेंगे। मैं प्लेटफॉर्म से चढ़ के गया था, देखते जाओ तिवारी जी, व्हीकल से नहीं था, कल पैदल गया था मैं वहाँ तक। भाई हेलो। हाँ एक एक नंबर गेट किधर है यार? इसके पीछे। कैसे जाए? फाटक जो ऊपर लगा है ये रिक्शा किसका है भाई? थोड़ा पीछे कर लो यार। लड़ा लड़ा दिया भैया, रिक्शे में लड़ जाएगा, लड़ जाएगा। शीशा खोल ही कर रखी है। करता क्या समय में आता नहीं, मैं बिल्कुल सही लगा रखा था। रेलवे करता क्या है मैं सोच रहा हूँ, ये रेलवे में नहीं है, नहीं हाँ। इतना अतिक्रमण है हाँ हाँ। ए, उसको पता भी नहीं है किधर जाना, अभी भी नहीं पता। मैं बहुत बड़े घर का कितनी बार बता दिया है हाँ। हम लोग तो इतने भिखारी है। देखिए तिवारी जी क्या क्या नाटक, आपको हमने 50 फोन किया और हमारे सामने बैठे हैं वही जेटी न्यूज वाले, हमने सोचा आपकी हम बात करवा दें, अब आपको हमने फोन पर फोन, अब यही जवाब आ रहा है कि आप व्यस्त हैं, अब क्या बताएं हम। अब गाड़ी ना हो गई तमाशा, आवाज शुक्ला जी तो बिल्कुल सबसे चलना रहेंगे साहब, बस गाड़ी अब हम छोड़ के जाएंगे, अब हमारी हालत खराब है, हम बहुत थक गए हैं, अब यहाँ घूमते गेट नंबर 5 मेन गेट पर कहा जा रहा है, और मेन गेट के जगह हम लोग पीछे आ गए। अच्छा मैप में तो मेन गेट नहीं लिखा था ना? नहीं हाँ, हम शुरू में क्या मेन गेट काला था हाँ, मेन गेट काला, मेन गेट आया ही नहीं उसमें। अच्छा मेन गेट नहीं आया, मैप में है ही नहीं मेन गेट। बताओ मेन गेट मैप में है ही नहीं, और शुक्ला जी जो है वो बता रहे हमको कुछ आते नहीं, मालूम नहीं, और उधर जल्दी भी है उनको, उधर उनको जल्दी भी है। हालत खराब है, हम गाड़ी छोड़ देंगे, तो हमने कहा भैया इस बार किसी तरह पहुंचा दो फिर तुम जाओ। पूछ दो साइज ना पूछो हाँ, एक बार वहीं जाएंगे इधर आएंगे, सारा समय तो इसी में लग रहा है। कहीं भी रिक्शा रोक देते हैं रास्ते। अरे वही हमने कहा हम पिछली बार आए हैं, जहाँ रहते हैं ये बड़ी सुखरी जगह है, फाटक कह रहा था जहाँ रहते हैं सारे वहाँ हल्के। मेन गेट मैप में दिखाई नहीं रहा। हेलो ए भैया,
ये आयत बाग गेट नंबर एक सीधा सीधे हाँ हाँ अरे गेट नंबर सीधे समय इसी में लग गया है। हमको यहाँ कुछ नहीं मालूम। अरे तो आप मुझे एक दिन पहले नहीं नहीं अब तिवारी जी ने भी हमसे कहा, हमने कहा आप इससे कहा तिवारी जी से बात कर लेना। अब बाबा आप मुझे एक दिन पहले बता दिए होते हाँ, तो मैं हाँ। जाके रिक्शा फिक्शा अपने कमरे में रखवा देता जी 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 और ले जाता फिर जी। समझ रहे हैं? नहीं तो पता तो कर लेता कहाँ है कहाँ पर। अब यहाँ घूमना पड़ रहा है। नहीं इन्हीं की जिद में कल हमने उठवाया, वरना उसने आज सुबह के लिए बोला। आपने मुझे एक बार भी कहा ये बात जी। ये है अरे एकदम सामने नहीं है भैया, सड़क के गेट के सामने अगल बगल कोई मोल चौराहा है, पीपल का पेड़ है। वो है पीपल का पेड़, वो चौराहा है। कौन? वो चौराहा है वो। हाँ हाँ बस पीपल के पेड़ के पास चलिए, वो एकदम गेट पता है। देख रहे हो बाबा है? उसको पता है, देखो गाड़ी वहीं रोक रहा है। देख रहे हो? हाँ हाँ देख रहे हो ना गोलीबाज। हाँ हाँ हम उधर गए, हमें बताया भी नहीं। अरे बदला पागल तो पागल आदमी, इसको सब पता था भाई, सब पता था। जब ये आया है तो उसको कैसे नहीं पता होगा। हाँ बाबू चलिए।